वेलकम टू इंग्लिश सब गाइस, आज हम डिक्शनरी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि उन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, सभी कैटेगरी के पीपल्स के लिए जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि इंग्लिश सीखना किसको पसंद नहीं है, इंग्लिश सीखना तो सभी को ही पसंद है क्योंकि इंग्लिश आज की सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे पहले हमारी हिंदी लैंग्वेज है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी है वो कौन सी लैंग्वेज है गाइस? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम डिक्शनरी के कुछ ऐसे वर्ड्स करने जा रहे हैं जो आपके पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, आपका बैंक का एग्जाम है या आपकी एचटेट है। ठीक है, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर हो। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो वर्ड्स हैं वो आपके बैंक के एग्जाम से हैं। आप सबको पता होगा कि एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है वो आ रहा है, आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो भी चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी वोकैबुलरीज हैं जो कि बहुत ही बेस्ट हैं, तो आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला रूट वर्ड। सबसे पहला रूट वर्ड है गाइस आज का, एक मैं लिखने जा रही हूं पेन और एक लिखने जा रही हूं पैडा। ठीक है गाइस, तो ये जो पेड वर्ड है ये पेड किससे रिलेटेड है? पेड का मीन्स होता है गाइस पैर से। ठीक है, पैर से कह सकते हो, फुट कह सकते हो, फीट कह सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके सारे वर्ड्स हैं। ओके, तो पैर से है ये जो पैडा है ना, जो पैडा वर्ड है मोस्ट ऑफ, ठीक है, मैं पूरा कंप्लीटली नहीं कह रही, मोस्ट ऑफ जो आपका पैडा वर्ड है वो जो है एक शिक्षा के बेस पे यूज होता है, एक स्टडी के बेस पे आपका यूज होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो जो वर्ड्स पैटर्न है शिक्षा से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, जहां पे इसका मींस शिक्षा से निकल के आता है और जहां पे पैड है पैर वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो है मैं वर्ड्स डिस्कस करने जा रही हूं, सॉरी, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, ठीक है गाइस, मेरा सबसे पहला वर्ड है गाइस पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मींस क्या है गाइस? इसको हिंदी में कहा जाता है पैदल यात्री, पैदल यात्री। ठीक है, अब देखिए पेडेस्ट्रियन है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पैड का मींस मैंने क्या पढ़ा है? पैर से। ठीक है, तो आपको पता है इसका मींस क्या होगा गाइस? पैर। अब पेडेस्ट है, उसके बाद रियन। अब ये जो पीछे के जितने भी जो पीछे के वर्ड्स होते हैं ना, आई मीन टू से सफिक्स, आपको मैंने हमारे जो इंग्लिश सबकी जो क्लास है पार्ट नंबर वन उसमें बताया था कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, उनके बीच का गैप क्या होता है, मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो ये जो रियन होते हैं ना पीछे के, ये पीछे के या तो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं या एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन टू से एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पीछे वाला नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है ना पेडेस्ट्रियन, तो ह्यूमैनिटेरियन रियन आ रहा है, टोटलिटेरियन तो पीछे क्या आ रहा है गाइस? रियन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रियन है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियन एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने इसका मींस लिखा है कि पैदल यात्री, इसका मतलब रियन एक पर्सन हो गया, उसकी क्वालिटी क्या होगी? पेडेस्ट, लाइक पेडेस्ट। ठीक है, इसका मतलब वो पैरों से चल रहा है। हर पर्सन के पैर तो होते हैं, जिनके अंदर सांस होता है उनके पैर तो होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पैदल यात्री, क्योंकि जो रियन है गाइस वो क्या है? वो एक पर्सन को डिनोट कर रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है? पैड। ठीक है, तो गाइस वो क्या है? पेडेस्ट्रियन मींस पैदल यात्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में लिखने जा रही हूँ पैडल। पैडल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको इससे मिलाकर वैसे ना देखिएगा, अभी मैं वो वर्ड्स करा रही हूँ जो कि फुट से रिलेटेड है, पैर से रिलेटेड है गाइस। ठीक है, अब देखिए पैडल क्या होता है? पैडल को हिंदी में कहा जाता है गाइस पादक। क्या कहा जाता है? पादक। ठीक है, देखिए पैड, पैड मींस क्या गाइस? पैर। अब आपको पता है पैडल क्या होता है, आपके पास बाइसिकल होगी, नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन जो बाइसिकल होती है जिसमें टू व्हीलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पैडल से पुश करते हैं और आगे की तरफ जो है इंक्रीज होते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, आज आपने जॉगिंग की होगी, आपने कोई एक्सरसाइज सेंटर ज्वाइन किया होगा, वहां पर भी देखा होगा आप साइकिलिंग करते होंगे, तो वहां पे आपको पैडल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पैडल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज आई थिंक होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैं बता रही हूँ गाइस पेडिक्योर। पेडिक्योर, ठीक है, पेडिक्योर के बारे में तो बहुत ही फेमस वर्ड है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। पेडी, पेडी का मींस तो पेड
संबंधी कोई भी काम है। जब आप वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा पेडेस्ट्रियन, ठीक है, रियल है, किसी पर्सन को डिनोट्स कर रहा है, तो यहाँ पे शिक्षा तो आई नहीं सकती, ठीक है, पेडिक्योर है, ठीक है, पेडिक्योर है, तो क्या आप किसी शिक्षा का इलाज कर सकते हैं? नहीं, पैरों का ही इलाज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, पैरों का इलाज, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं, जो इसको हिंदी में कह सकते हैं पाद चिकित्सा, पाद चिकित्सा, पाद चिकित्सा का मीन्स गाइस हिंदी में होता है कि पैरों की चिकित्सा, पैरों से संबंधित कोई भी आपका ट्रीटमेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गाइस पेडिक्योर, ठीक है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, जैसे कई सारे ब्यूटी पार्लर्स के भी आपको टिप्स के बारे में पता होगा, ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है, पैरों की सफाई करने का भी ट्रीटमेंट कहा जाता है इसे, ठीक है, तो ये मीन्स होता है पेडिक्योर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ जो शिक्षा से रिलेटेड है गाइस, देखेंगे अब, ठीक है गाइस, अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने जा रही हूँ, ठीक है, एक और वर्ड भी है गाइस, अगर आप लिखना चाहो तो पेडोमीटर, पेडोमीटर, अब ये जो पेडोमीटर वर्ड है गाइस, इसमें पेडो का मींस क्या है, पेडो का मींस पैर से है, मीटर क्या होता है, मीटर, मीटर का मींस क्या होता है, मेजरमेंट से, मापने से संबंधित, मापने से संबंधित, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं पदगणित, पदगणित मींस क्या हो सकता है, मींस जैसे मान लो कोई गैप आपको नापना है, कोई डिस्टेंस, कोई दूरी को आपने नापना है कि आप कितना किलोमीटर चले हैं, जैसे जैसे थर्मामीटर है वो आपके टेम्परेचर को देखता है, आपके तापमान को नापता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना फीवर है, जैसे आप करते हो ना, उसी तरीके से पेडोमीटर होता है आप कितना चले हैं, ठीक है, तो वो जो पैर है ना उनकी उनकी जो उनका जो माप है, उनका जो मेजरमेंट है, वो करने का काम किसका होता है गाइस, पेडोमीटर, ठीक है गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप यू लर्न वेरी वेल, ओके, चलो अब मैं एक और वर्ड करती हूँ गाइस, ठीक है, तो इसमें मैंने एक और आपको बताया था मीनिंग कि शिक्षा से भी संबंध होता है, मैं एक वर्ड लिखने जा रही हूँ गाइस, पेडेंट, पेडेंट, पेडेंट का मीन्स क्या होता है, देखिए जो एंटी आपके पीछे शो हो रहा है, ठीक है, पेडा, पेडा, ये जो पेडा है ना, इसका मीन्स कोई पैर नहीं है, इसका मीन्स गाइस शिक्षा से लिया गया है, ठीक है, इसको जो हिंदी में कहा जाता है, हिंदी से, हिंदी में इसको कहा जाएगा पंडित या पंडित संबंधी, ठीक है, पंडित या पंडित संबंधी, ठीक है, आप इसको पंडित ही लिख लीजिए वही काफी, आप इसको स्कॉलर लिख लीजिए, जो पंडित है उसको कहा जाता है स्कॉलर, ठीक है, पंडित कौन होता है, जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है, चाहे वो शिक्षा संबंधी ज्ञान हो सकता है या धर्म से संबंधित ज्ञान हो सकता है, ठीक है, उस मामले में कहा जाता है स्कॉलर मीन्स पंडित, ठीक है, जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेन बात ये है कि जो मैंने रूट वर्ड बताया हम उसके ऊपर ही चल रहे हैं, जैसे पैदा लिखा है मैं उसके ऊपर ही चल रही हूँ कि शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये जो पीछे जो वर्ड्स आते हैं ना सबसे ज्यादा हमें ये परेशान करते हैं, ये जो ए एन टी आता है पीछे या पेडेंटिक बना लो वो भी परेशान करते हैं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या। देखिए ये कुछ भी नहीं है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और वर्ड्स बता देती हूँ, मैंने लिखा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एक ही वर्ड बता देती हूँ, चलो अकाउंटेंट, अब अकाउंट जो है एंट का काम क्या है, अकाउंट मतलब एंट हो गया एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को डिनोट्स कर रहा है, इसका मींस आपको पता होगा लेखापाल जो अकाउंट्स बनाने का काम करता है, ठीक है, तो ये जो एंट हो गया ये एक पर्सन है और उस पर्सन का काम क्या है गाइस, काम क्या है, अकाउंट्स बनाना, मतलब ये पर्सन हो गया उसकी क्वालिटी क्या है, अकाउंट बनाना। उसी तरीके से ये जो पेट हो गया या पेंडा, ये मिक्स है जो ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंट है इसका काम क्या है, पैदा करना, मतलब शिक्षा संबंधी ज्ञान, पंडित है वो, शिक्षा संबंधी ज्ञान के बारे में बताना, ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स करते हैं, ठीक है गाइस, अब मैं एक वर्ड लिखने जा रही हूं पेडेंटिक, एक वर्ड मैंने लिखा गाइस पेडेंटिक, पेडेंटिक क्या है, इसको आप कह सकते हो पंडिताऊ, हिंदी में इसको कहा कहते हैं पंडिताऊ, इसका मीन्स भी सेम वही है, ठीक है, उसका मीन्स था पंडित से, जैसे अकाउंटेंट तो एक पर्सन को डिनोट्स कर रहा है, ठीक है, और ये है पेडेंटिक, ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद पंडित था, ये पंडित
ये पंडित का काम है, क्योंकि वो क्या था, वो खुद एक पंडित था, ठीक है, जैसे पीडेंट, अकाउंटेंट, ठीक है, तो अकाउंटेंटिक कह दूं अगर मैं, ठीक है, ये हो गया उसकी क्वालिटी से संबंधित। तो पेडेंटिक क्या है, पंडिताओ, ये उसके वर्ब और काम करने से संबंधित हो गया, ठीक है, ओके। अब जैसे एक वर्ड है पेडागोजी, पेडागोजी, ठीक है, तो ये आप ले सकते हो बाल कल्याण, बाल कल्याण मतलब शिक्षा शास्त्र, ठीक है, आप इसको हिंदी में कह सकते हो, ठीक है, हिंदी के वर्ड में यहां पे लिख के बता रही हूं आपको, शिक्षा शास्त्र गाइस, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो पेडागोजी जो है वो किस लिए होती है, आपने एचटेट का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपने उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा पेडागोजी, एक सब्जेक्ट होता है, स्पेशली बाल कल्याण भी होता है उसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट होते हैं। शिक्षा शास्त्र, तो इसका रिलेशन किससे है, शिक्षा से, ये जो पीछे का गोजी वर्ड है, ठीक है, काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं, एगोगी है, ठीक है, डेमागोगी है, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो मतलब किसी ना किसी से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे डेमागोगी हो गया, डेमोग्राफिक क्या होता है, जनसंख्या संबंधित, तो डेमागोगी भी जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसी तरीके से पेडागोजी है, ये किससे संबंधित है, शिक्षा शास्त्र से, तो इसके बीच में भी शिक्षा वर्ड आया, ठीक है। अब मैं एक और वर्ड आपको बताने जा रही हूं, बोर्ड पे लिखती, पेडागोज, पेडागोजी क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र खुद हो गया, और पेडागोजी क्या हो गया, जो शिक्षा को पढ़ाने वाला हो गया, जैसे एक पीडेंट हो गया और एक पेडेंटिक हो गया, ठीक है। तो ये जो पीछे जितने भी ये वर्ड्स आते हैं ना, जो सफिक्स होते हैं पीछे के, इनके बारे में समझा करो, ये या तो नाउन होते हैं या ये एडजेक्टिव होते हैं, आई मीन टू से, जैसे किसी की भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, ये मैंने वर्ड लिया गाइस फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड है, मैंने आपको जो हमारी इंग्लिश सबकी फर्स्ट वीडियो थी उसके बीच में भी बताया था कि जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट है, ठीक है, या मैं एक वर्ड लेती हूँ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ओके। तो ये जो आईएसटी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ये पीछे के एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है पर्सन को रिप्रेजेंट, मतलब ये एक पर्सन है, ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो है फिलेंथ्रोपी। क्वालिटी क्या है, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी क्या होती है, मानव दया, मानव प्रेम, इंसानों से प्यार करना, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये इंसानों से प्यार करता है। सोशलिस्ट है मतलब ये जो आईएसटी जो पर्सन है ये क्या करता है, ये सोशल सामाजिक कार्य करता है। जैसे मैं लिखू सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, सोशलिस्ट तो हो गया एक पर्सन है, ठीक है, जो समाज के प्रति काम करता है। सोशलिज्म हो गया कि एक क्रिया हो गई, काम हो गया समाज के प्रति काम करना, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है, ये वर्ब को डिनोट कर रहा है बस, ठीक है। तो पीछे के जो वर्ड्स है ना उसके ऊपर परेशान मत हुआ करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश की करो कि उसमें क्या कहा जाता है जस्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट बेस्ट रूट वर्ड्स हैं जो आपको हम करवाने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड है गाइस एक्ट। एक्ट का मींस क्या होता है, डू, मींस करना, ठीक है, बहुत ही बेस्ट रूट वर्ड है एक्ट। एक्ट का मींस क्या होता है, बहुत ही पुराना, एक्टर, बचपन से ही बच्चे सीख जाते हैं एक्ट, एक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब जैसे मैंने एक वर्ड ही ले लेती हूँ, एक्टर ले लेती हूँ, ठीक है, एक्टर है, ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेती हूँ, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, एक्टर ले लिया, डॉक्टर ले लिया, तो गाइस ये सब क्या है। एक्ट का मींस क्या होता है, कोई काम करना। हम कहते हैं ना जैसे हमारा मोबाइल है, ठीक है, उसका रिचार्ज है, वो रिचार्ज हमने एक्टिवेट कर दिया, मतलब वो क्रियाशील हो गया, जैसे किसी चीज के बीच में जान आ गई, ठीक है, मान लो कोई निर्जीव चीज है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर दे तो वो सजीव हो गई। मींस क्या होता है, चलना, एक्टिवेशन का मींस क्या होता है, चलना, काम करना, बहना, ठीक है। तो एक्टर क्या है, वो एक्ट कर रहा है, मतलब किसी काम को कर रहा है। अब एक्टर, तो ये जो ओआर है डॉक्टर, तो ये पीछे का ओआर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टर, एक्टर, तो ओआर किसको है, ओआर एक पर्सन है, उसका काम क्या है, एक्ट करना, ठीक है। ओआर क्या है, पीछे एक पर्सन है, उसका काम क्या है, डॉक्ट करना, मतलब चिकित्सा संबंधी काम करना, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, इसको हिंदी में आप नायक कह सकते हो, ठीक है, वैसे सभी कहते हैं कि हीरो, हीरो, हीरो,
ठीक है। देखिए हीरो एक्टर का मींस हीरो नहीं होता, हीरो तो आप भी हो, आप सभी भी हीरो, मैं भी हीरो हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हीरोइन हूँ, ओके ठीक है भाई। कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है तो उसको कहा जाता है कि वो हीरो है, हीरो का मींस किसी एक्टर से नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है गाइस क्रियाशीलता। क्या कहा जाता है? क्रियाशीलता। अब देखिए एक्टिविटी का मींस जो एक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी काम को करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो विटी है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक वर्ब है, ठीक है, किसी काम को करने की, किसी काम को करने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो विटी है ना ये काम है, और इसका काम क्या है, एक्ट करना, एक्ट करना, पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, क्रियाशीलता। आप हिंदी से ही समझोगे क्रियाशीलता, ना कि क्रियाशील व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ क्रियाशीलता है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काम कौन सा है, एक्ट का, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड है एक्टिव, तो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव भी ऐसे ही है, इसका मीन्स क्या होगा, क्रियाशील, ठीक है। ये भी लगभग वैसे ही है, ठीक है, एक्ट का मतलब कुछ काम कर रहे हो, एक्टिव है, ठीक है। ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं ना वो पर्सन एक्टिव है, ठीक है, वो पर्सन मेनली ये किसके लिए यूज होता है, ये पर्सन के लिए यूज होता है। वैसे हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि कोई मोबाइल है, कोई रिचार्ज है, वो एक्टिव नहीं हुआ, वो एक्टिवेट हुआ है, उसमें क्रियाशील है। और एक्टिव क्या होता है, एक्टिव एक पर्सन के लिए यूज होता है, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है, मिसाल में ये भी कह रही हूँ मोस्ट ऑफ। तो एक्टिव क्या है, यहाँ पे एक पर्सन के लिए आप मोस्ट ऑफ यूज कर सकते हो, जिसका मीन्स क्या होता है, क्रियाशील, के वो व्यक्ति क्या है, एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड लिखती हूँ, सॉरी मैं, रिएक्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रिएक्ट का हिंदी मतलब प्रतिक्रिया, हिंदी में लिख लीजिए प्रतिक्रिया। देखिए रिएक्ट क्या होता है, आपको मीन्स एक्ट का मीन्स तो पता चल गया कि होता है, कि मीन्स डू या करना, री का मीन्स क्या होता है, री का मीन्स होता है अगेन, रिन्यू मीन्स पता होगा आपको, रिन्यू किसी चीज को दोबारा से रिन्यू करना, ठीक है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको रिन्यू कर रहे हो आप, ठीक है, कोई एफडी है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते हो, एक साल बाद क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, तो आप उसको दोबारा से रिन्यू नया कर रहे हो, दोबारा से उसकी स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है गाइस, रिन्यू। उसी तरीके से रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है, प्रतिक्रिया, आपने किसी को एक्ट किया, मतलब आपने किसी के सामने कुछ बात की, बदले में उसने रिएक्ट करना है ना, बदले में उसने अपनी प्रतिक्रिया देनी है, तो रिएक्ट क्या हो गया, आपको एक्ट के बदले क्या मिलेगा, रिएक्ट, जो आप एक्ट करोगे उसके बदले दोबारा आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको आप रिस्पॉन्स कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, बैकफायर। ये जो बैकफायर वर्ड है ये ज्यादातर यूज होता है प्लान्स के लिए, जैसे कई बार आपका प्लान क्या हो जाता है, बैकफायर हो जाता है, मतलब जो प्लान आपने सोचा होता है ना कि ऐसा होगा, वही प्लान आपको ही मिल जाता है गलती से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, बट इट्स ओके, यहाँ पे जो मेन बात है वो रिएक्शन की हो रही है, तो रिएक्ट क्या होता है, जो एक्ट आपने किया उसका क्या हो गया, उसका सामने से एक एक्ट आया, ठीक है, तो इसका मींस ओपोजिट से भी ले सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन है वो रिएक्शन कर जाती है, कहते हैं ना रिएक्शन कर दिया, मतलब उस एक्ट जो हमने एक्ट किया था उसका सामने से जो रिएक्ट मिला ना कि वो ठीक नहीं था, ठीक है, उस सेंस में भी पढ़ा जाता है, आई थिंक आप सबको बताओ, ठीक है। तो एक्ट का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इस प्रतिक्रिया। तो ये था हमारा रूट वर्ड एक्ट, ठीक है। तो जरूर बताइएगा आपको आज के रूट वर्ड्स कैसे लगे, बहुत ही अच्छे लगे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। एक आप पेड वाला और पेडा, ठीक है, ये दोनों सेम सेम जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है, और एक आपका रूट वर्ड है एक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ चार वर्ड ही बने, ठीक है, ये चार वर्ड से मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि व्हाट इज नाउन, इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से आपको जो भी है यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस रोज चाहिए तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, जहां पे आप सब्सक्राइब करते हैं ना उसके साथ एक बेल होती है, तो बेल के ऊपर क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा, जिससे नोटिफिकेशन मींस हम रोज जो भी वीडियोस अपने अपलोड करेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे आप अपना सिलेबस इजीली कवर अप कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना।
डिक्शनरी के ये वर्ड्स सुन के आपको समझ के कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिक्शनरी के बेस्ट वर्ड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच।